नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रिटायरमेंट को लेकर कर दिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों, सरकार ने रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा फैसला किया है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कर्मचारी की रिटायरमेंट एज को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, वही दूसरी तरफ से सी एक्ट के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति को बढ़ाने में अब एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई है कि जिसके अनुसार केरल सरकार के तहत स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि राज्य सरकार के अनुसार पेंशन की आयु बढ़ाने की कोई ऐसी योजना नहीं है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार सीएफ्ट के प्रबंध निर्देश की ओर से उच्च शिक्षा विभाग को लिखे पत्र के आलोक में पेंशन की उम्र बढ़ाई गई है जिसके तहत निकाय की स्थापना भी की गई है। एमडी ने अपने पत्र में मौजूदा कर्मियों की सेवा 2 साल और बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में आदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 31 मई को जारी किया गया था। इसके साथ ही सीएफ्ट के 30 कर्मचारी जो रिटायर होने वाले थे इस साल 30 मार्च को हुई सीएफ्ट के कार्यकारी समिति की बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मामले पर चर्चा हुई थी। यह सुझाव पहले सीएफ्ट की कार्यकारिणी समिति के समक्ष आया लेकिन नीतिगत मामले होने के कारण इसे अनुशंसा के रूप में स्वयं सरकारी विभाग को भेज दिया गया। आपको बता दें कि एमडी के पत्र और कार्यकारिणी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार जाहिर तौर पर पेंशन बढ़ाने का फैसला कर रही थी। यह फैसला 31 मई से लागू करने का इरादा था, हालांकि अभी और जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके अनुसार ही सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।